अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला मंडी 2023 में स्मारिका प्रकाशन के लिए ADM व स्मारिका उपसमिति अध्यक्ष रितिका की अध्यक्षता में बैठक, अधिक लोगों तक स्मारिका पहुंचाने के लिए ई प्रकाशन का भी लिया निर्णय। ऊना में बिना परमिट सवारियां ढोने वाले बस ऑपरेटरों पर कार्रवाई, RTO ने 2 बसें की जब्त, 3 दिनों में 5 बस ऑपरेटरों के खिलाफ की गई कार्रवाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कांगड़ा के इंदौरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए प्रदेशवासियों का जताया आभार, कहा ये अभियान कांग्रेस के लिए साबित होगा मील का पत्थर। नाहन की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पूर्वाला के 60 से अधिक विद्यार्थियों ने पुलिस लाइन नाहन में वायरलेस प्रणाली की ली जानकारी। इसी कड़ी में कल नियो कम्युनिकेशन व 21 को ITI नाहन का करेंगे औद्योगिकी भ्रमण। सिरमौर जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान नाहन में समग्र शिक्षा अभियान की मासिक समीक्षा बैठक हुई आज। 14 शिक्षक खंडों के प्रतिनिधि हुए शामिल। उपनिदेशक निरीक्षक ने कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को हनी स्कूल के साथ जोड़कर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार पर दिया बल। हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक यूनियन ने चालकों की भर्ती में घोटाले का लगाया आरोप, कहा वर्ष 2017 से अपडेट नहीं हुई वरिष्ठता सूची, चहितों को पदोन्नति देने का आरोप। गणतंत्र दिवस पर शुरू की जाएगी दिव्यांग जोड़ो पदयात्रा, विकलांग कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा 26 जनवरी को गांधी वाटिका धर्मशाला से शुरू होगी यात्रा।